मैं सोच रहा था जब हमारे पदाधिकारी हमारे सहयोगी बोल रहे थे और ये गांव के लिए इतना जरूरी है। मैं बिहार से आता, पहली बार जब मैं बिहार में मंत्री था सामने बैठे हैं हुकुम सिंह मीना, ये वहां की सरकार में है लेकिन वो गति वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक हम गति को चाहते थे। लैंड का डिजिटल कर रहे थे लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरे देश के जमीन को भी डिजिटल करने की योजना एलआर विभाग से बना रहे हैं। ये डेटा है और जो हम स्वामित्व का काम कर रहे हैं, मुझे अगर कोई कहता है कि आपके विभाग में हमके सारे काम महत्वपूर्ण है लेकिन मेरे नजर में आवास भी देना उतना ही महत्वपूर्ण है बेघरों को, जितना सड़क की व्यवस्था करना, जितना मनरेगा के द्वारा रोजगार अवसर करना, एसेट तैयार करना। लेकिन जब मैं टेक्नोलॉजी और डेटा की बात करता, जो प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत, तो हम कई चीजों को देखते हैं। प्रधानमंत्री ने जो डिग्रेडेबल लैंड है उसको भी हम ठीक कर रहे हैं, लैंड का डिजिटल भी कर रहे हैं, रजिस्ट्री में भी डिजिटल दे रहे हैं। लेकिन आज जिस काम के लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं राज्य और केंद्र और सभी विभाग के, मैं देख रहा था इसमें तीन की भूमिका जबरदस्त है। सैटेलाइट बेस स्टेशन की, ड्रोन की और एक छोटा सा कहा कि रोवर्स है, वो छोटी सी मोबाइल टाइप का है। मैं तीनों को देख रहा था, ये तीनों मिलाकर के क्या आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री का सपना है, क्या कल हमें कितने लोगों को घर है वो इससे देख पाएंगे और फिर आगे अपडेट करने में मदद मिलेगा, मनरेगा के एसेट को भी अपडेट करने में मदद मिलेगा। मुझे तो लग रहा है कि ग्रामीण भारत को पारदर्शी बनाने में ये स्वामित्व एक नया एंगल देने का काम करेगा, ये मेरा सोच है। हो सकता है राज्य के लोग इसे किस रूप में एजुकेशन राज्य के लोगों को करें।